जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो फिर आज के मेरे न्यू ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो फिर मैं आज जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास घूमने के लिए, चतमई घटा रानी चंपारण। तो फिर आप लोग को मैं पूरा दिखाऊंगा, खूब मस्ती करेंगे। तो फिर लाइन पे पूरा बने रहो दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर अपन निकलते हैं घर से। तो फिर दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पास, देख रहे हो गाड़ी है ये, और यहाँ पास भी एक गाड़ी है, दो ठो गाड़ी किए हैं किराया। तो फिर अब चलते हैं अपन जतमई घटा रानी के लिए, और तो फिर खूब मज़ा करेंगे। और इन लोग सब बैठे हैं गाड़ी में, अभी बैठ रहे हैं, फिर निकलेंगे। तो फिर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अपन अभी हम लोग अमवेरा पहुँचे हैं एक जने दोस्त तक वो लेने के लिए, और यहाँ पास बैठे हुए हैं हमारे फ्रेंड लोग। हाय हेलो बोल दो। तो फिर अभी जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, और ये बोलेरो गाड़ी है, और अभी चलते फिर मैं अभी पहुंचा हूं घटा रानी। तो यहां पर देख रहे हो घटा रानी का नज़ारा, और इसके ऊपर में है जतमई है, सॉरी जतमई है। तो फिर जतमई भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, और देख रहे हो यहां पर का नज़ारा भी खाली खाली है। तो फिर अंदर की ओर चलते हैं, आप लोग मैं पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। तो फिर लाइन पर पूरा बने रहो। ये है घटा रानी, घटा रानी का अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और देख रहे हो यहाँ पर का नज़ारा। ये सब खाना बनाने के लिए चूल्हा वगैरह है, और अभी ये जगह है, अभी ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ी एरिया है, आप लोग देख रहे हो, और आगे की ओर चलते हैं। काफ़ी मज़ा आते हो यहाँ पर, और ये झरना है, यहाँ पर से पानी गिरता है, और यहाँ पर कान्हा जी का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ जल जो गिर रहा है झरना से वो यहाँ पर आके इकट्ठा होते जा रहा है। और यहाँ पर नहाने के लिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें गहरा भी है और कुछ है इसलिए। और यहाँ पर हम लोग के फ्रेंड लोग वहाँ पर नहा रहे हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आप लोग मैं एक दूसरे के नहलाते हुए वीडियो भी बनाते हैं, देख कैसे नहला रहे हैं, वाजा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर नहा के? अरे बहुत अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत ज़्यादा ठीक। तो फिर यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है करके बोल रहे हैं, और इधर जो माता का मंदिर है ऊपर में है, ऊपर जाऊंगा फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो फिर अभी ये घटा रानी है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे जतमई, वहाँ जतमई माता का दर्शन करेंगे। तो फिर अभी ऊपर की ओर जाएंगे, तो फिर आप लोग मैं। तो फिर दोस्तों अपन पूरा अपना कम्प्लीट नहा वहाँ लिए हैं सब दोस्त लोग, और अभी हम जा रहे हैं घटा रानी ऊपर की मंदिर की ओर। तो फिर जा रहे हैं दोस्तों, और हम माता रानी में नारियल अगरबत्ती जलाने के लिए ले चुके हैं, और देख रहे हो यहाँ पर मंदिर जाने का रास्ता है, सब चीज़ लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा है जगह, देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पानी गिरता है ज़्यादा और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभी ऊपर की ओर चलते हैं,
और ये है माता रानी का दरबार। यहाँ पर से शेर के अंदर घुसना है। आ गए यहाँ पर, ये है साक्षात घटा रानी माता मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये है घटा रानी का मंदिर, और यहाँ पर दिया वगैरह जल रहे हैं, और देख रहे हो नज़ारा यहाँ पर का। दोस्त लोग आ गए यहाँ पर तो फिर दर्शन करते हैं। तो फिर दोस्तों अपन फाइनली हम घटा रानी का जो माता रानी है वहाँ का हम माता रानी का दर्शन कर लिए फाइनली, और अब हम जाएंगे जतमई माता की ओर। तो फिर यहाँ पर से ऊपर की ओर में है, तो वहाँ जाने से पहले हमको रोड से जाना पड़ेगा, और जैसे कि हमको पैदल जाना है तो हम ऊपर झरना है, झरना की ऊपर की ओर से हम जा सकते हैं। वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर पड़ेगा जतमई की माता की दर्शन करने के लिए, और हमको अब जाना है जतमई की ओर। तो फिर हम अपने गाड़ी की ओर से जाएंगे, तो फिर चलते हैं दोस्तों और जतमई माता का दर्शन आप। तो फिर दोस्तों पर हम फाइनली जाते हुए जतमई की ओर, और यहाँ पास देख रहे हो बहुत कटाकट जंगल है। दुर्गेश्वरी हाय कर, बना के मोला रे मारे डाले माया मां। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जतमई की ओर, और देख रहे हो यहाँ पर जतमई में पार्किंग में है अभी गाड़ी को यहाँ पास लगा के रखे हैं यहाँ पास। और ये भाई रवि है, तो फिर अभी जाएंगे कैसे भाई। चलो चलते तो फिर अभी चलते हैं और आगे की ओर जा रहा हूँ, तो फिर दिखाऊंगा आप लोग को पूरा नज़ारा यहाँ पास का माहौल भी कैसा है, लेकिन घटा रानी से ज़्यादा बेहतर है यहाँ का माहौल। तो फिर आगे की ओर चलता हूँ, फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों लाइन पर पूरा बने रहो। दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं जतमई माता के मंदिर के द्वार पर, और देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है हमर जतमई दाई। तो फिर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और अंदर की ओर प्रवेश करने से पहले यहाँ पर जतमई माता का जो गेट है प्रवेश द्वार, इनका दर्शन कर लीजिए और अंदर की ओर चलते हैं दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टील का लगा हुआ है ऐसा नहीं लगा था, इस बार लगा है। और यहाँ पर से आप लोग को मैं दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ जतमई दाई। तो फिर अभी जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जतमई माता का दर्शन करने के लिए, और ये है मेरे फ्रेंड लोग, और अभी चलते हैं आगे की ओर। तो फिर इन लोग से मिलवाता हूँ। राजा हाय हेलो बोल तो। हाय मेरा भाई यार। हाँ चलो तो फिर दर्शन करेंगे फिर बढ़िया से। हाँ, अपन YouTube फैमिली की फुल सपोर्ट। हाँ भाई, तो फिर चलते हैं आगे की ओर, काफ़ी मज़ा आएगा, और जतमई माता का दर्शन करेंगे दोस्तों। और इन लोग से भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। हमारे गाड़ी में आए हैं इन लोग भी बहुत दूर से, फिर चलते हैं अभी सामने की ओर, दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग को क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो ये मंदिर है शिव जी का, शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। और अभी यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं, और देख रहे हो यहाँ पर का नज़ारा, झरना वगैरह भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। अभी पास की ओर चलते हैं, ये है जतमई माता का मंदिर, और काफ़ी सुंदर है यहाँ पर देख रहे हो नज़ारा, यहाँ पर नहाने का भी सब व्यवस्था हुआ है। और यहाँ पर सीन है पहाड़ की ओर में है, पहाड़ से थोड़ा नीचे, और ये मस्त यहाँ पर से पानी आते रहता है। और इन लोग हम लोग गरम गरम लग रहा है, तो फिर यहाँ पर
ठंडा कर रहे हैं पैर को। फिर घर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो मछली है, छोटा छोटा मछली है, मछली देख रहे हो। पकड़ने मजा आ जाएगा, पकड़ रहे बच्चा बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है। चलो आगे की ओर चलते हैं, वहाँ पास मछली है देख, छोटा छोटा आते जा रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, एकदम पास ही पास में मछली। चलो जतमई माता का मंदिर है, आप लोग दर्शन करिए। चलो देख रहे हो यहाँ पर सब, चलो मुजतमई माता की जय। जय माता दी, ये है जतमई माता मंदिर। जय जतमई माई, चलो। दोस्तों ये देखना हमारे दोस्त राजा यहाँ पर मछली पकड़ेगा। सब राजा पकड़, एक आठ पे पकड़ के दिखा, इतना सारा मछली है पासी में। चल पकड़ 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 के दिखा, पकड़ के दिखा, पकड़ के भाई, पकड़ के दिखा दे, पकड़ 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 नहीं पकड़ पा रहे। यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग दिखा रहा हूँ, फुल एंजॉय करते रहिए और मजा लेते रहिए, वीडियो में आनंद ले लो और मजा लो। यहाँ पर देख रहे हो कैसे बढ़िया नहा रहे हैं पानी। दोस्तों अभी ऊपर की ओर चलते हैं, जतमई माता का मंदिर ऊपर में। चलो और चलते हैं। चलो इति आओ इति आओ, यहाँ पास है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दरबार। जय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। नजारा बहुत ही अच्छा है और वहाँ पास है। चला मेरे खड़ा हो। चलो और आगे की ओर चलते हैं। तो फिर दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पर जतमई माता के दर्शन करके, पीछे में जो बजरंग बली है उनका भी दर्शन किए, आ रहे हैं दर्शन करके। कैसा लगा भाई वीडियो बनाने? बहुत 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 अच्छा, बहुत मजा आया बोल रहे हैं। तो फिर आप लोग पूरा लाइन पे बने रहो और हम अब जा रहे हैं। तो फिर दोस्तों अपन जतमई से दर्शन कर चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं कहाँ, तो राजिम की ओर अपन निकल चुके हैं। राजिम में दर्शन करेंगे, राम झूला है वहाँ पास, वहाँ पास भी अपन जा रहे हैं। और हमारे दोस्त लोग का भी गाड़ी है सामने, बोलेरो गाड़ी है इन लोग का, और हम लोग का भी गाड़ी है घाटी का। तो भी अभी हम चलते हैं दोस्तों, देख रहे हो घाटी है जबरदस्त, देखने के लायक, मजा आ रहा है। और लाइन पे पूरा बने रहेंगे काफी मजा लेते हुए। हकीकत मत है दही आसमां। तो फिर दोस्तों अपन फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ, राजिम की ओर। तो फिर राजिम के मंदिर पे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और हमारे फ्रेंड लोग भी हैं और कई लोग चल दिए हैं, और हम लोग भी अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ लक्ष्मण झूला भी है, वहाँ का भी मैं दर्शन कराऊंगा, जो माघी पुण्य के दिन मेला भराता है यहाँ, वहाँ का भी मैं पूरा दर्शन कराऊंगा आप लोग को। तो फिर लाइन पे पूरा बने रहो दोस्तों। तो फिर अपन चलते हैं और घटा रानी जतमई से हम घूमें, काफ़ी मज़ा आया और यहाँ का भी इंजॉय करेंगे। तो फिर दोस्तों, तो फिर दोस्तों अपन राजिम का मंदिर पे आ चुके हैं, और अभी राजिम मंदिर में हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देख रहे हो नज़ारा यहाँ पास का, और ये सब हमारे फ्रेंड लोग हैं और सब लोग आते हुए। और इधर देखो जो जो सब चीज़ है उसको दिखाता हूँ मैं आप लोग को। इधर गार्डन वगैरह है और सब मंदिर बना बना हुआ है, अभी पूरा घूम के मैं दिखाता हूँ आप लोग को। श्री राम राजिम लोचन मंदिर,
कमल क्षेत्र पद्मावती पुरी राजिम। तो फिर इधर अपन चलते हैं और सब चीज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ पास का नज़ारा। और मंदिर पे अंदर पे हम चलते हैं और राजीव लोचन भगवान के यहाँ पास दर्शन करते हैं। तो फिर चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर से राजीव लोचन के मंदिर पे आ गए हम। यहाँ पर सब दोस्त लोग तो फिर दोस्तों अपन राजीव लोचन भगवान का हम दर्शन कर लिए। अब यहाँ पास का परिक्रमा करते हुए अब परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। हम लोग कभी दिखाओ ना तभी तो देख लो। हाय हेलो बोलो। चलो अब आगे क्यों। अब आ गए हम भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोले बाबा। चल दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो मेरे दोस्तों। तेरे पिया है कैसे हो गए। चल दर्शन कर लीजिए। चलो आगे की ओर चलते हैं। राजीव लोचन भगवान का हम दर्शन कर लिए हैं और अभी घूम रहे हैं परिक्रमा करते हुए यहाँ पास। और ये महाराजी हैं। सुनो ये बताओ मेरे को यहाँ पास घूम रहे हैं तो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी जरा सा बता दीजिए। बहुत उधर नहीं जाने का रोड नहीं है तो ये वाला रोड है। इधर से जाना है तब रोड मिलेगा। ठीक है चलो और आगे की ओर मिलते हैं। तो फिर हाँ तो दोस्तों अपन फाइनली पहुंच चुके हैं राजिम का राम झूला। ये है राम झूला जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं और चलते चलते अभी लास्ट छोर पे जाएंगे जहां पास मंदिर है वहां पास अपन जा रहे हैं। तो फिर देख रहे हो यहां पास का नज़ारा। और यहां पास अस भी ठंडा किया जाता है जो इलाहाबाद नहीं जा पाते उनके लिए इस स्थान को बनाया गया है। और काफ़ी अच्छा भी जगह है और ना राम झूला है यहाँ पास। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमते घूमते। सब दोस्त यार लोग आ ही रहे हैं इधर से। और इधर दो जने मेरे साथ में जा रहे हैं जिसका नाम है रानी और दीप्ति। दोनों कोई का नाम रानी है लेकिन इसका ज़्यादा दीप्ति चलता है। ठीक है हाँ। चल तो फिर आगे की ओर चलते हैं। फिर दोस्तों इन लोग फोटो खिंचाने के लिए बैठ चुके हैं देख रहे हो। और कैसा लगा यहाँ पर राम झूला झूल के। अच्छा लगा। और अभी और कहाँ जाना है। चंपारण। अच्छा तो बताइए यहाँ करना करना वाला के है। एक बार फिर से बता दे वीडियो बना। दस वाले और ये करना वाले हमार बदस मतलब हमारा बर्दू ले हैं तो अभी का दे का है राजीरा की देगा धन तिली है काजू है। काजू है अच्छा तो ते का वाला ले भी राजीरा लड्डू ला मैं तो ये दे। अच्छा वो खाते अच्छा तो नहीं हमार ना मैं कहाँ दे रहा हूँ देला लहा कहाँ दे रहा हूँ का देला नहीं देला का कत्ता वाले दस ले चल दी ले दे। ठीक है राजिम का राम झूला ये है। राजिम का राम झूला है सामने में और काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। मैं राम झूला को यहाँ पर से आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों देखो जरा सा कितना सुंदर दृश्य है। और देख रहे हो
काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पास माघी पुण्य दिन मेला होता है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। चलो ये लोग मेरे फ्रेंड हैं, इन लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पास राम जी का मूर्ति लगा हुआ है, उनको मैं सामने से दिखाता हूँ दोस्तों। चलो 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 चलो, ये फूल है, यहाँ पर लिखा हुआ कृपया फूल व पौधों को न छुएं एवं फूल व पौधों को तोड़ने सख्त मना है करके बता दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हो राम जी का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर कृपया जूता चप्पल निकाल के फोटो खिंचवाए करके भी लिखा हुआ है। ये है राजीव में राम जी का मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ पर आते हैं सब दर्शन करने के लिए। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, दृश्य रात में तो और काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर देखो दोस्तों, एक बार ज़रूर आओ यहाँ पास और फोटो लेके ज़रूर जाओ। और आगे की ओर दिखाता हूँ दोस्तों, लाइन पे बने रहिए। हम कि हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं चंपारण। चंपारण का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ मैं। अंधेरा हो गया तो फिर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर अंदर जाके मैं दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग को। ये चंपारण का नज़ारा है दोस्तों, देख रहे हो, काफ़ी सुंदर दृश्य है। और अभी यहाँ पास आरती का समय हुआ है, अच्छा समय में हम लोग पहुँचे हुए हैं। आप लोग देखिए ज़रा सा, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर राम जी का मूर्ति है, आरती हो रहा है अभी। और इधर है हर तरफ का, सब तरफ का नज़ारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। काज सवारे आए सभी वन जखन जिया। देखो दोस्तों यहाँ पर का नज़ारा, इन लोग अभी हनुमान चालीसा पाठ करते हुए चंपारण में। और सभी हिंदू भाइयों को ऐसा करना चाहिए, ये तुलसी का नियम है, लेकिन आज के युग में तो ऐसा नहीं किया जाता। तो आगे तो फिर बढ़ते हैं दोस्तों और सब चीज देखते हैं नज़ारा। होती अभी दोस्तों यहाँ पास आरती हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, और आरती के पश्चात ये लोग सब प्रणाम कर रहे हैं हमारे दोस्तों लोग।